हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शो में बात करने वाले हैं अपकमिंग यामा MT-15 वर्जन 3 के बारे में। जी दोस्तों, MT-15 वर्जन 3 भी अब आपको इंडियन मार्केट में काफ़ी जल्द देखने को मिल सकती है। देखिए, यामा है एक ऐसी बाइक है जो कि इंडियन मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, ये लोगों का जो काम है मैंने देखा हमेशा अच्छा होता है। अदर बाइक के कंपेयर में ये लोग हमेशा अपनी बाइकों में ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। और मुझे लग रहा है MT-15 2.0 का लगभग आराम से 2 साल के आसपास हो चुके हैं, और यामा जो ऐसी बाइक है 2 से 3 साल में अपडेट करते रहती है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपकमिंग MT-15 के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपकमिंग MT-15 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में, कंपनी इसमें क्या क्या चेंज करने वाली है। MT-15 में आपको जो सबसे पहला चेंज मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा इस बाइक के स्पीडोमीटर में। देखिए, आपको पता है कि यामा वालों ने अपनी जो R15 है भाई, उसमें लोगों ने अपडेट लाया, बट अभी जो है TFT डिस्प्ले का अपडेट MT-15 में फिलहाल अभी तक नहीं आया है। लेकिन आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो वर्जन 3 वाली MT-15 होने वाली है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही मिलने वाला है इस बाइक में दोस्तों। अब आप लोगों को TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हालांकि TFT डिस्प्ले होने की वजह से बाइक का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, बट आपके पास ऑप्शन भी रहेगा। आप चाहे तो डिजिटल मीटर वाली भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो आप TFT डिस्प्ले वाली भी ले सकते हैं। कंपनी आपको ये ऑप्शन भी देगी। तो ये सबसे पहला मेजर अपडेट आपको बाइक में मिलने वाला है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वो अपडेट होने वाला है दोस्तों इस बाइक के ग्राफिक्स एंड कलर ऑप्शन में। जी हाँ, MT-15 में अब आपको और भी नए ग्राफिक एंड नए कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कंपनी इस बार इसमें जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन देने वाली है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कि ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन कैसा होने वाला है, बट ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि MT-15 में आप लोगों को अच्छे खासे ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक में किक शिफ्टर। आपको पता है दोस्तों, लास्ट टाइम यामा वालों ने अपनी R15 वर्जन 3 एंड R15M में जो है किक शिफ्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है यार कि अभी तक अपनी जो MT-15 है उसमें इन्होंने किक शिफ्टर का ऑप्शन नहीं दिया। बट आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों कि अब जो अपडेट आएगा उस अपडेट में आप लोगों को जो किक शिफ्टर है वो कंपनी देने वाली है। तो ये भी एक जो नया अपडेट है वो आपको बाइक में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है इस बाइक के लिए। तो ये भी अपडेट आपको बाइक में मिलेगा किक शिफ्टर। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो अपडेट होने वाला है दोस्तों इस बाइक के सबसे इंपॉर्टेंट टेल लाइट में। देखिए, आपको पता है कि कंपनी ने अभी टेल लाइट में कोई काम नहीं किया। वर्जन 1 में सेम आती थी, वर्जन 2 में भी सेम आती थी, टेल लाइट में इन्होंने कोई काम नहीं किया था। बट फाइनली अब जब वर्जन 3 आएगी तो उसमें जो टेल लाइट है कंपनी उसमें भी काम करने वाली है। थोड़ा बेहतर लुक देगी, थोड़ा बेहतर डिजाइन देगी, ताकि इसको जो अट्रैक्शन है वो रियर का और ज्यादा बढ़े और एक अच्छी बाइक लगे। तो टेल लाइट में भी कंपनी काम कर सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का, वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से भाई, दे रहा हूँ उसका भी जवाब, वो है सीट को लेकर कि भाई बाइक की पिलियन सीट है जो कंपनी बढ़ा सकती है क्या। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा मुझे कुछ भी अभी सुनने को मिला नहीं है फिलहाल, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ऑलरेडी बाइक का लुक एंड जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता नहीं कि कंपनी ऐसा कोई अपडेट कर सकती है, थोड़ा से चांसेस मुझे कम लग रहे हैं यार। और बहुत सारे लोग ब्रेकिंग प्लेट साइज़ को भी लेकर पूछते हैं, कंपनी ब्रेकिंग प्लेट की साइज़ को बढ़ा सकती है क्या, तो इसके भी चांसेस थोड़े से कम है। बाकी देखते हैं, अगर बढ़ा दे तो बेहतर है, बट मुझे लगता नहीं है। बाकी बाइक का प्राइस भी बढ़ेगा लगभग यार 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास का बढ़ सकता है शुरू में। और अगर बात करें लॉन्च डेट के बारे में, तो मुझे लग रहा है ये दिवाली मंथ तक आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कौन कौन इसका वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छा लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।